आज से स्टार्ट करेंगे अपन प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन जिसमें क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, है ना। या रेस्ट में है तो रेस्ट में, या मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाता था, अगर उसमें कोई चेंज आता था तो वो उसका ओपोज करता था। तो सेम वैसा ही है, ये स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में चेंज करेगा। तो लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस any change in the state of rotational motion, in its state of rotational motion, in the state of rotational motion। So ये होगा क्या, तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, पॉइंट मास है ये, इसका मास एम है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, और ये इसके वॉट रोटेट कर रहा है, तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम अबाउट ए ओ आर मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन, यही क्या है इसका, एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसी को बोलेंगे ए O, R, axis of rotation। तो इसके बाद moment of inertia क्या आ जाएगा, I equals to m into r square, m into r square। R क्या है, where r is, m तो mass है, where r जो है ये क्या है, perpendicular distance of m from axis of rotation, perpendicular distance of mass m from ur, axis of rotation। अगर ऐसे बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आर वन, डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब पॉइंट मास M2, R2, M3, R3, perpendicular distances का ये, और ये इसका axis of rotation। तो इस केस में आप पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, ये एक सिस्टम हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, या पहले लिख लो MI about AOR, axis of rotation कितना हो जाएगा, तो I equals to M1R1 square plus M2R2 square plus M3R3 square, इस टाइप से याद आ जाएगा, plus MnRn square। तो इस केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसा बोल सकते हैं, सिग्मा MiRi square, I equals to 1 to n। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिग्मा MiRi square। तो ये किसके लिए है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, इसके लिए। कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूस में ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बन जाएगा, है ना, और m की जगह पे dm आ जाएगा, तो dm into r square हो जाएगा। नोट कर लीजिए पहले इतना।
डन। अब कंटिन्यूअस के लिए कैसे फाइंड करेंगे, एक मिनट फास्ट नोट कर लीजिए आप। फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम, कॉन्टिन्यूस सिस्टम, तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए क्या आएगा, आई इक्वल्स टू सिग्मा, समेशन की जगह पे ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, जहां पे सिग्मा था वहां पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, एम की जगह पे डीएम हो जाएगा और ये आर स्क्वायर। तो बेसिकली पहले आप डी आई फाइंड करेंगे, डी आई क्या होगा, पहले आप डी आई फाइंड करेंगे, डी आई इक्वल्स टू डी एम इन टू आर स्क्वायर होगा, है ना, एंड आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, यही बेसिकली क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा, डी एम इन टू आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर डी एम क्या है, वेयर डी एम इज मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मास है, और आर क्या होगा, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम मास फ्रॉम एआर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन सबको आगे यूज करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, अब देखो अपने लिए क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है सिर्फ, वैसे ये टेंसर के केस में देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, मतलब डायरेक्शन तो दिख रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रही है ना, बट ये क्या है कि मास जो, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली एड करेंगे अपन इसको, बट क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है डायरेक्शन, उसको टेंसर, टेंसर बोलते हैं, बट अपने सिलेबस में टेंसर है नहीं, तो इसीलिए इसको वेक्टर में रखेंगे अपन, सॉरी स्केलर में रखेंगे, है ना, इट इज अ स्केलर, क्यों रख रहे हैं ये समझ में आना चाहिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, तो मास ऑफ द बॉडी, या ऐसा बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी। सेकेंड क्या आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, थर्ड लिख देता हूं, वैसे फोर्स से ही रिलेटेड है, फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एआर, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट एआर, एआर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एआर, तो इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन फर्स्ट, डज नॉट डिपेंड अपॉन टॉर्क, टॉर्क पर डिपेंड नहीं करता, इसके फॉर्मूला में आएगा आई अल्फा, बट डिपेंड नहीं करता टॉर्क पे,
सेकंड एंगुलर मोमेंटम, इसमें भी आता है आई ओमेगा बट डिपेंड नहीं करता इस पे, एंगुलर मोमेंटम। थर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क बाय एल, टॉर्क बाय आई हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, बट एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। बट हर किसी के फॉर्मूला में ये दिखेगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला में दिखेगा बट वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले। I इक्वल्स टू टोटल मास नहीं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे कंटीन्यूअस सिस्टम में। पहले सबसे पहले DI फाइंड करेंगे, DI मतलब जब स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो स्मॉल एलिमेंट का मास होगा कुछ, तो स्मॉल एलिमेंट को मास को क्या अज्यूम करेंगे, DM into R square, इसका कुछ एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आएगा। अब ये तो स्मॉल एलिमेंट का है, वैसे वैसे सब एलिमेंट का आएगा तो उसके सबको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एड करना पड़ेगा। तो एड करने के लिए क्या करते हैं, जहां पे कंटीन्यूअस सिस्टम आता है वहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो इसको ऐड करेंगे DI1, DI2, DI3, DI4, तो इंटीग्रेशन ऑफ DI हो जाएगा। तो DI की वैल्यू पुट करके तो ये आ जाएगा, है ना। ये थर्ड पॉइंट, ये वाला अंडर द हेडिंग क्या था, ये मोमेंट, ये बोल रहे हो क्या, मोमेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, mass distribution of the body about axis of rotation, इसका distribution कैसा है, axis of rotation के about mass का basically ये दोनों का combination है ये। अभी देखो ना कैसे depend कर रहा है, से depend कर रहा है वो समझ में आएगा। ऐसे बस यहीं पे बता देता हूँ, जैसे मान लो ये axis of rotation है, एक वही same mass है m, same mass m है, ये distance आ रहा है। अभी axis of rotation जो है, अभी axis of rotation मान लो ऐसा हो गया, इसके अबाउट सेम मास है, या एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां पे हो गया, सेम मास है, मास सेम है, एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना, डिस्टेंस चेंज हो गया ना, तो मोमेंट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो जाएगा ना, इसके अबाउट डिफरेंट होगा, इसके अबाउट डिफरेंट होगा, इसके अबाउट डिफरेंट होगा, इसके अबाउट डिफरेंट होगा, है ना, हर एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होगा, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे तो डिपेंड कर रहा है वो। बताता हूँ बताता हूँ, नोट कर लो इतना पहले, नोट कर लो, है ना, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे डिपेंड कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन,
एग्जाम्पल से समझते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड कर, ठीक है? थोड़ा फास्ट नोट कीजिए. ये पॉइंट मास है एम, ये डिस्टेंस आर है. अभी ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका ए ओ आर ये है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है? इसको एक्सिस वन मान लो, तो आई वन के अबाउट क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर. अभी एक एक्सिस ये है, मान लीजिए इसको इसको एक्सिस टू मान लिया, तो I2 क्या होगा इसका, ये वाला एंगल मान लीजिए आपको थीटा है, तो इसके बोर्ड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसके बोर्ड, इसके बोर्ड, तो ये ऐसा है यार, ये एंगल थीटा है, ये मास, ये m है, तो इस एक्सिस से पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये r है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये r sin थीटा हो जाएगा. तो इसके बोर्ड अगर आप फाइंड करोगे, ये सेकेंड एक्सिस के बोर्ड अगर आप फाइंड करोगे, ये तो इस एक्सिस के बोर्ड है, इस एक्सिस के बोर्ड अगर आप फाइंड करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो गया, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आई बात समझ में कुछ? तो देखो सेम ही पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है, सेम पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है, ये एक्सिस भी, ये एक्सिस भी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, क्योंकि इस एक्सिस का ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है. इसका मतलब जो है एक ही पॉइंट इसी का मास फाइंड कर रहे हैं, इसी पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है, फिर भी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, जबकि ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम है. इसका मतलब क्या है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस होकर पास होता तो जीरो हो जाता. आई बात समझ में कुछ? ये क्लियर हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, कुछ टर्म्स को पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन या जायरेशन जो पढ़ना आप पढ़िए. उसको के से डिनोट. देखो क्या है, पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास m2 है, और यहाँ पे एक पॉइंट मास m3 है. ये सब पॉइंट मास, कोई भी मास हो सकता है, जरूर नहीं एक पॉइंट मास ही है. r1 अभी पॉइंट मास के बारे में ही पढ़ा है, r2 r3, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m i अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, एम आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, ठीक है? अब इसको क्या किया मैंने, इस पूरे मास को मैंने एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दिया. एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, सेम एक्सिस है, अब इस पूरे मास को सिंगल मास से रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3. सेंटर ऑफ मास की बात नहीं है यहाँ पे, इस पूरे मास को एक सिंगल मास से रिप्लेस करके एक डिस्टेंस पे रख दिया r, है ना? और आपने r को वैसे, ये r डिस्टेंस वैसा होगा, है ना, दिस मास इज प्लेस्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इन सच अ वे दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम वुड रिमेन सेम. क्या रहेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड रिमेन सेम रहेगा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू इसी आर को बोलते हैं के, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिकली ये क्या है, तो ये है इक्विवेलेंट रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 इनटू ये पॉइंट मास हो गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, तो mr स्क्वायर। तो बेसिकली ये कितना हो गया, m1 प्लस m2 इनटू r स्क्वायर हो गया। अब सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, तो दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं आप, दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं mk स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एम थ्री भी आएगा, एम थ्री भी आएगा, एम थ्री इंटू के आर स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एम थ्री भी आएगा। तो यहां से एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहां से जो के आएगा उसी को क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन की मीनिंग क्या होगी, कि जो भी आपका सिस्टम है, इधर सिस्टम पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, है ना। तो इन ईच केस क्या हो जाएगा, आपको होल सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय पॉइंट मास, होल सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट मास एंड प्लेस्ड, है ना, एट सम डिस्टेंस, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन सच अ वे दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास इज सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ड्यू टू ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन About same axis of rotation, about same axis of rotation. तो यहां से दोनों को इक्वेट करेंगे, तो from here you can find the value of k. यहां से k की value आ जाएगी। आई बात समझ में कुछ? एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट एक बार लिखा देता हूं। आगे ये सब, इन सब पे जो है ना, आगे illustrations होगा, आगे illustrations आएगा। अभी एक बार कुछ थियरी है पढ़ लेते हैं, एक ही साथ सब कुछ सॉल्व करते चले जाएंगे। नहीं नहीं, सम नहीं है, सम नहीं आएगा ना, सम आएगा क्या, ये तो स्क्वायर आ गया ना, सम डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नहीं है ना, के है। देखो ना, अब ये फाइंड ही कर लेते हैं, देखे समझ में आ जाए, वैसा लिख सकते हैं अपन, करेक्ट। बट वो लर्न नहीं करना है बिल्कुल भी, उस फॉर्मूले को लर्न नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, और पूरे मास को एक पॉइंट पे अज्यूम करके डिस्टेंस के मानकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। अब दोनों को इक्वेट कर, दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू
नोट कर लो, नोट कर लो। अरे सेम नहीं लेंगे तो फिर एक्सिस, ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ही वही है कि सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है, नहीं तो डिफरेंट हो जाएगा ना यार। जब इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो सेम रहेगा ना, जैसे अगर मान लो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तुमको, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो सेम बैटरी होता है ना, करंट भी सेम होता है ना, वैसे यहाँ पे एक्सिस वही रहेगा, सेम एक्सिस रहेगा। इन तीनों पॉइंट, ये तीनों जो मास है M1, M2, M3 को एक पॉइंट पे अज्यूम कर लिया और उससे डिस्टेंस को K मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू क्या आई आपको, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू के स्क्वायर, और आई की वैल्यू पहले से पता है, ऐसे एग्जाम्पल की तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर यही होता है फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू के। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से एक मिनट, यहाँ पे तुम ऐसे एग्जाम्पल करके लिखना, इसको एग्जाम्पल बनाना यार, नहीं तो तुम फॉर्मूला मान लोगे। रेडियस ऑफ गायरेशन में यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिखना, ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, तो लिखेंगे दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी, बॉडी इज supposed to be concentrated and the value of moment of inertia MI is same as that due to actual distribution of mass of the body। इसी को क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब है किसी का अगर आपने फाइंड कर लिया, तो बेसिकली ये आई की वैल्यू जो आपने पहले फाइंड किया, तो आई को क्या लिख सकते हैं, मास, टोटल मास इनटू के स्क्वायर, टोटल मास इनटू के स्क्वायर, जो भी आई आया है आपने पहले फाइंड किया है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल्स टू टोटल मास इनटू के स्क्वायर हो जाएगा, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मास ले लिया m और ये वाला डिस्टेंस r है, यहाँ पे एक मास ले लिया 2m और ये वाला डिस्टेंस 2r है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर प्लस 2m into 2r square, ये हो जाएगा mr square plus 8mr square, ये हो जाएगा 9mr square. अब इसको क्या करना है आपको, एक सिंगल मास से चेंज कर दिया, पॉइंट मास से चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 3m, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके बट i की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3m into k square. अब I की वैल्यू क्या हो, I दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 9mr स्क्वायर इक्वल्स टू 3mk स्क्वायर. बार बार ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं mk स्क्वायर. तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से k की वैल्यू कितनी हो गई, 3r. तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा, 3r हो जाएगा. मतलब आप पूरे मास को 3r डिस्टेंस पे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 3r डिस्टेंस पे रख दीजिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, नहीं रूट 3r, 3r नहीं रूट 3r. आई बात समझ में कुछ, इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसको किसके, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे इक्वेट कर देना है, तो एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देना, टोटल मास इंटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है. पहले फिर से एक बार रिपीट करो, समझ लीजिए क्या है, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले ये फाइंड कर लिया. सेकेंड स्टेप क्या होगा, देन इक्वेट द अबव मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद टोटल मास इंटू के स्क्वायर. मतलब जो आपने फाइंड किया उसको किसके साथ इक्वेट कर देना है, तो मास इंटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है. तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन. आई बात समझ में, नोट कर लीजिए. कोऑर्डिनेट क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, खुद से समझो ना, कोऑर्डिनेट से मतलब है कहीं पे कोऑर्डिनेट, कहीं पे लिखा एक्स वाई एक्सिस, समझो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली क्या, कैसे फाइंड करते, ये चीज समझ लीजिए. तो कोई एक एक्सिस होगा, एक्सिस का मतलब क्या है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा मतलब इसका कहीं ना कहीं जो सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर इसका ये. अब देखो ये सेंटर मूव नहीं कर रहा है, सेंटर तो यहीं पे, बाकी ये पूरा मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जिस पॉइंट के वोट ये रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से एक लाइन को पास करा दीजिए, तो लाइन पास हो गया ऐसा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये, अभी ऐसा अगर रोटेट कर रहा है मतलब इसका एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, सर्कल ड्रॉ कर लीजिए तो इसका एक्सिस ऐसा दिखेगा. तो इसके वोट फाइंड कर लिया, तो कहां पे एक्सिस आ रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहां पे आ रहा है क्या कहीं पे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से तो मतलब ही नहीं है अपने को, अपने को तो ये चाहिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. अरे ये बात समझ में कुछ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं लेना देना अपने को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से, एक्सिस से लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, एक्सिस से लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, कहीं पे आया ही नहीं है. कहीं पे लिखा क्या मैंने m1 x1 square, ऐसा कहाँ लिखा, r square लिखा है मैंने, डिस्टेंस. नोट कर लो इसको, कहाँ पे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, कहाँ लिखा मैंने सेंटर ऑफ मास, कहां लिखा मैंने सेंटर ऑफ मास, ये बता दो. पूरे मास को अज्यूम कर लिया है, बट ये मैंने नहीं बोला कि ये सेंटर ऑफ मास है,
लिखा क्या है स्टेटमेंट में, कहीं पे लिखा है वैसा सेंटर ऑफ मास? फिर और ये कभी नहीं करना है कि सर के जो होगा वो होगा आर, के होगा आर प्लस टू आर का रूट हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू, ना यहां पे आ रहा है, हर जगह नहीं होगा, यहां पे आ रहा है हर जगह नहीं होगा ये। एक इसको मान लो, इसको थ्री एम लो, इसको थ्री एम लो, कितना होगा एम आर स्क्वायर प्लस थ्री एम इंटू टू आर स्क्वायर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, थर्टीन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा फोर एम इंटू के स्क्वायर, तो इसकी इसमें के की वैल्यू क्या आ जाएगी थर्टीन बाई थ्री का रूट आ जाएगा, और फाइंड करोगे तो आर प्लस थ्री आर फोर आर, ये आर प्लस टू आर फोर थ्री आर, तो उस केस में भी वैसे ही दिखेगा तुमको, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना हो जाता के स्क्वायर इक्वल्स टू, हर केस में, हर केस में मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तुम्हारे अकॉर्डिंग आर प्लस टू आर, हर केस में तुम्हारे अकॉर्डिंग रूट थ्री आर हो जाता। बट अगर मास चेंज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, के चेंज हो जाएगा। है ना, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे क्यों ये सब मत करो ना, सिर्फ क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, अगर डिस्क्रीट है, अभी डिस्क्रीट का बताया है, डिस्क्रीट का जो बताया है उसमें जो भी गिवन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो ना, फाइंड कर लिया, इस आई को टोटल मास इनटू के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, बस और कुछ नहीं है, वहां से जो के की वैल्यू आएगी वही रेडियस ऑफ वेरिएशन हो जाएगी। नोट कर लिया इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, आराम से नोट करो। नोट कर लिया इसको, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन depends on, depends upon the axis of rotation AOR and mass distribution with respect to AOR, mass distribution with respect to AOR, the value of radius of gyration depends upon the AOR and mass distribution about AOR, this will depend kare. एक एग्जांपल कर लो डिस्टेंस का, तुम खत्म करो, ये एम है, ये डिस्टेंस आर है, ये टू आर पे ही रखा है, और ये वाला डिस्टेंस थ्री एम कर दो, ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम, फास्ट सिंपल सा ऐसे एग्जाम्पल है, बताइए क्या होएगा।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एक आएगा एम आर स्क्वायर, दूसरा कितना आएगा 3m into 2r स्क्वायर। अब इसको किसके किससे इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4m into k स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर प्लस 12 एम आर स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया 4m k स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एम आर स्क्वायर, तो m से m जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 13 बाय 4 2 हो जाएगा आर आ जाएगा, यही आ गया रेडियस ऑफ गायरेश। तो अभी पॉइंट मास के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आएगा एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Perpendicular axis theorem. तो ये किसके लिए वैलिड होगा, तो दिस थ्योरम इट इज वैलिड फॉर लैमिनर ऑब्जेक्ट्स ओनली। लैमिनर मतलब प्लेट, 2D ऑब्जेक्ट्स। प्लानर बॉडीज, है ना, 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली, विच ऐसे लिखना विच आर रोटेट, ये जो ऑब्जेक्ट है तो वो किसके अबाउट, विच आर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास, विच आर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर COM, और वो एक्सिस जो होना चाहिए या CM हो गया COM, वो एक्सिस जो होना चाहिए वो किससे पास होना चाहिए, वो जो बॉडी रोटेट कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किससे पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। वो एक्सिस किससे पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए, देखते कि ये कैसा थ्योरम है, क्या है। मान लीजिए कि ये बॉडी जो है ये कुछ ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, ये जेड है। एक्स एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी, द प्लेन ऑफ बॉडी। सबसे पहली चीज, मतलब कोई भी दो एक्सिस, यहां पे क्या है एक्स और वाई जो है वो इस प्लेन में, इस बॉडी के प्लेन में, जेड ऐसा ड्रॉ कर दिया इस साइड ऐसा दिख रहा है, मतलब जेड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जेड जो है ये ऐसा प्लेन है, तो एक्स वाई है, जेड ऐसा परपेंडिकुलर है, जेड जो है ये ऐसा परपेंडिकुलर है, जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्स एंड वाई जो है ये इस प्लेन में, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एंड वाई ही इस प्लेन में हो, ये जेड यहां पे भी हो सकता है, ये जेड यहां पे भी हो सकता है, एक्स यहां पे हो सकता है या वाई यहां पे हो सकता है,
बट इसमें मान लिया कि एक्स एंड वाई आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी, आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी. सेकेंड, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, ये भी है, एक्सिस है तो परपेंडिकुलर टू इच अदर. जेड जो है, जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्या है, जेड जो है एक्स और वाई के भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. मतलब अगर इस पेपर पे मैं इस प्लेन को मान लू तो आपका जेड ऐसा है. अगर ये ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, आई जेड जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल हो जाता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस के इक्वल हो जाता है. तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई. बट प्रूफ भी देख लेते क्या है, सिंपल सा प्रूफ है इसका. ये ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्सिस जेड है. जेड जो है ये ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है. अब मैं कोई एक स्मॉल सा पॉइंट मान लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ. यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसा एक्सिस है, इस एक्सिस से मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ एक्सिस से, और इसका डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन में ये आर है. तो ये आपका डिस्टेंस जो होगा ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, है ना, ये एक्स और ये वाई. तो इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस एक्स, ये वाला डिस्टेंस वाई, तो ये वाला डिस्टेंस आर हो जाएगा. और इसका मास जो है वो डीएम मान लेते हैं, स्मॉल सा पार्टिकल माना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, डीआई. डीआई कितना हो जाएगा, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीआई इक्वल्स टू डीएम, मास डीएम है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर. तो आप क्या लिखोगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा. ये क्या आ जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर. पहले इतना नोट कर लीजिए. इतना स्लो नोट करते हो क्या तुम, थोड़ा फास्ट हो जाओ यार, इतना टाइम देता हूं फिर भी नोट नहीं हो पा रहा है. थोड़ा फास्ट नोट कीजिए प्लीज. X and Y are perpendicular, X and Y axis are, ऐसे लिख लो, axis are perpendicular to each other. According to perpendicular axis theorem. ये तो बहुत पहले से आ रहा है यार. नोट किया इसको. ये मान लीजिए एक डिस्क है, इस डिस्क में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया गया, ऐसे डीएम मास है इसका, ठीक है, मास क्या है, डीएम. तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसके अबाउट, जेड के अबाउट. तो ये एक्सिस ऐसा है, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, डीएम, और ये वाला डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, आर.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब आर की जो वैल्यू होगी, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये एक्स है ये वाई है, तो आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से आई जेड क्या हो जाएगा, डीएम जेड परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, ये जेड है और ये आर परपेंडिकुलर नहीं है। अरे यार ऐसा है ना, परपेंडिकुलर नहीं है ये आर, है ना। डायग्राम से क्या तुम ये, अब तुम खुद से समझो ना, ये 2D है, इसमें Z जो है 3D में है, Z ऐसा है, तो क्या ऑब्जर्व, डायग्राम से ऑब्जर्व मत करो कि ये है परपेंडिकुलर या नहीं, ऐसे देख लो Z ऐसा है और R इस प्लेन में है, तो R इस प्लेन में कैसा भी होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा भी होगा परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। तो यहां से ये डीएम इंटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आई जेड की वैल्यू, आई जेड की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, तो इसको आप डीएम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा डीएम इंटू वाई स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये ऐसा है, वाई एक्सिस ये पूरा होगा, एक्स एक्सिस ये पूरा है, यहां पे मास लिया है, ये वाला डिस्टेंस y है, ये बताओ dm, dm into y square, इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा, dm into y square, ये ix होगा, अच्छा ये वाला डिस्टेंस x है, तो dm into x square, iy होगा ना, dm into x square, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेसिकली ये iz क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है iy और ये हो जा रहा है ix, आई जेड की वैल्यू क्या हो गई, आई एक्स प्लस आई। ठीक है, आई एक्स प्लस आई, ये लर्न कर लेना है, ये वाला डेरिवेशन लर्न किया या नहीं किया, बट ये वाला अगर ये ऐसा है, ये x है, ये z है और ये y है, y इसके परपेंडिकुलर है, हियर y इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, x और y के भी x और z के भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो इस केस में आप कैसे लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या बोलोगे यहाँ पे कि आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड, आई बात समझ में, आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड, तो जैसा होगा वैसा ही। सेकेंड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये किसी के लिए वैलिड है, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर बॉडीज ऑफ एनी शेप, कैन बी यूज्ड फॉर बॉडीज ऑफ एनी शेप रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन।
एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख लो यहाँ, मान लीजिए कि ये बॉडी है, तो एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। क्या AOR? देखो AOR इनफाइनाइट हो सकता है, AOR जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इनफाइनाइट हो सकता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब यूज करेंगे उसको समझिए, ये नहीं कि सर ये AOR है ये AOR है ये AOR, तो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको किसके अबाउट फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, AOR इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, मतलब एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है बॉडी। समझो एक मिनट, अरे क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पे ये ऐसा है, ये एक्सिस ऐसा है, अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसा, तो ये किसके अबाउट, इसको जेड मान लेते हैं, जेड के अबाउट रोटेट कर रहा है ये, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो मुझे इसके अबाउट अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे पता नहीं है कुछ तो क्या करेंगे। सपोज इसके अबाउट दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट अभी ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसा, ये यहां पे है, यहां पे ऐसा है तो ऐसा रोटेट कर रहा है, ये एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है। आ रही बात समझ में कुछ, ये पता है, ये वाई है, ये वाई है ऐसा, तो ये वाई के अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है, अभी ऐसा रोटेट कर रहा है वाई के अबाउट, ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है वाई के अबाउट, ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों किस में है, प्लेन में है। समझो इसको यार, नहीं तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। देखो यहां से, ये मान लो डिस्क ले लिया है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको बोल रहे हैं आई एक्स, ये ऐसा रोटेट करेगा, मतलब ये डिस्क ऐसा ऐसा रोटेट करेगा, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब ये डिस्क ऐसा ऐसा, अभी ये एक्सिस है तो इसके अबाउट ऐसा ऐसा रोटेट करेगा, और ये डिस्क इस जेड के अबाउट, ये पॉइंट बना दिया मतलब परपेंडिकुलर, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट करने का मतलब डिस्क ऐसा रोटेट कर रहा हो, कुछ बात आ रही है समझ में। पहले ये बताओ कैसे रोटेशन हो रहा है, ये अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं मतलब ये ऐसा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं तो अभी इस एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस साइड से जाएगा ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा होगा ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अबाउट ऐसा रोटेट करेगा ऐसा, ऐसा ऐसा रोटेट करेगा, ये ऐसा है ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस वहीं पे है और ये ऐसा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट, किसके अबाउट फाइंड करना है, आई एक्स के अबाउट बोला जाएगा तो उसका अलग से फाइंड करने का मेथड होगा, आई जेड के अबाउट बोला जाएगा तो उसका अलग से मेथड होगा फाइंड करने का, आई वाई का फाइंड करने के लिए बोला होगा उसका अलग मेथड होगा। तो सपोज क्वेश्चन में ये और ये गिवन है, आई एक्स और आई जेड गिवन है, तो मुझे इसके परपेंडिकुलर के अबाउट फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस का डायरेक्टली आप ऐसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे एक्स और जेड जो है इसी प्लेन में है, एक्स एंड जेड आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी, और y जो है y इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सपोज ये दोनों गिवन है, इसके अबाउट फाइंड करना है, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। आई बात समझ में कुछ, अब यहां से समझो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, z पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस में क्या होगा, किसी भी बॉडीज के लिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2D है, 2D रहे, 3D रहे, कुछ भी है, सबके लिए ये वैलिड है, सबके लिए ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड है। तो इसमें दो एक्सिस होगा, मान लीजिए इसके अबाउट और एक एक्सिस यहाँ पे है इसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई,
मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी का क्या होगा, किसके अबाउट, इसके अबाउट। ऐसे बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास हो रहा है उसके पैरेलल हो, इनफाइनाइट एक्सिस हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है डिस्टेंस। ये दोनों एक्सिस क्या दिख रहा है, पैरेलल, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। पूरे मास को आप कहां पे मान सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकते हैं। तो अभी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसके अबाउट ये दोनों का कैसा एक्सिस है, पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो आई की जो वैल्यू होगी, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी है, तो आई की जो वैल्यू होगी वो जाएगी आई सी एम प्लस, ये मास एम है और ये डिस्टेंस डी है, तो प्लस एम डी स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास का फाइंड करेंगे, फिर जो सेपरेशन है उसको देखेंगे कि पैरेलल इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस वो क्या है, डी है, तो एम इंटू डी स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू क्या जाएगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। इसमें दो एक्सिस होगा, दोनों पैरेलल होगा, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगा, दूसरा एक्सिस किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है, बट दोनों कैसा होना चाहिए, पैरेलल, तब आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहां पे यूज करेंगे, तो दो एक्सिस का पैरेलल होना कंपलसरी है। सबसे पहला काम क्या है, दो एक्सिस का पैरेलल होना कंपलसरी है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। उसमें से क्या होगा, एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ये यहां पे जेड लिख देना यार, यहां पे जेड होगा, एक्स एंड जेड, करेक्ट, इस वाले केस में एक्स एंड जेड है, y perpendicular है। देखो यहाँ पे ये दोनों एक्सेस क्या होगा, पैरेलल होगा, ये दोनों एक्सेस, सबसे पहला काम ये दोनों एक्सेस कैसा होगा, पैरेलल। सेकंड, एक एक्सेस जो होगा इन दोनों एक्सेस में वो किससे पास होगा, तो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, वो किससे पास होगा, तो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। तो एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दूसरा एक्सेस किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, पैरेलल है तो जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, डी है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है। तो इसके अबाउट अगर फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले आपको इसके अबाउट फाइंड करना पड़ेगा। तो आईसीएम पूरे मास को कहां पे रख देंगे, सेंटर ऑफ मास पे, इससे इसका सेपरेशन क्या है, डी है, तो प्लस एम डी स्क्वायर। क्या आई एक्स इक्वल्स टू, हाँ लिख सकते हैं ना यार, एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं, बट उस केस में एक्स जो होगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी है, वरना ये नहीं लिख पाएंगे। देख रहे हो यहां पे क्या लिखा, आईसीएम, यहां पे क्या लिखा, आईसीएम। ठीक है, तो इसमें एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी है। इस केस में जब एक्स जो है, एक्स जब इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा, मान लो ये एक्स हो गया, तो आप उस केस में लिख सकते हैं ix equals to iy plus iz। नोट कर लो पहले इसको यार। इस केस में एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी है, होगा ही, नहीं होगा तो ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यूज नहीं कर पाए। हाँ, इसका भी प्रूफ है। नोट करोगे तब तो होगा ना। डन।
मान लो एक बॉडी कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसका कहीं यहां पे सेंटर ऑफ मास है, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, दूसरा एक्सिस जो है ये मान लीजिए यहां पे है, ऐसे जा ये आईसीएम हो जाएगा ना, इसके वो टाई हो जाएगा। अब इसके बीच, अब देखो ये मान लो एक टेबल है, तो टेबल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे, एक्सिस परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, दिखने में हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है बट है परपेंडिकुलर, एक एक्सिस यहाँ पे है दूसरा एक्सिस यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वही मिनिमम डिस्टेंस, एक एक्सिस यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मान लो, तो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा, यही मिनिमम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को कुछ अज्यूम कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, ये ऐसा है। अब एक कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट मास है डीएम, इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ ये, तो पहले इसका कोऑर्डिनेट कुछ, तो यहां से यहां तक ए और ये वाला डिस्टेंस बी, और इसका यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट एक्स और ये वाला डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस a, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो x माइनस b, तो इसका ये वाला डिस्टेंस कुछ अज्यूम कर लेते हैं r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इतना क्लियर है कि दो एक्सिस लिया है, इसका जीरो जीरो मान लिया, ये यहां पे है, तो ये वाला डिस्टेंस ए मान लिया, ये डिस्टेंस बी, ये टोटल डिस्टेंस एक्स, ये टोटल डिस्टेंस वाई, वाई माइनस बी, करेक्ट, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस ए और ये वाई माइनस बी, तो आर की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी आर, तो आर को क्या लिखेंगे अपन, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू, ये डीएम है और इससे इसका डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिखने में नहीं लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, प्लेन के ऐसा है, और ये मास यहां पे है, तो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस ऐसा है और ये वाला एक्सिस ऐसा है और इसका ये वाला डिस्टेंस आर है, अभी तो ये इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन के, अगर आप इस प्लेन में देखोगे तो ये एंगल 90 नहीं दिखेगा बट एंगल 90 है क्योंकि ये ऐसा लाइन है, तो आई को क्या लिखेंगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपैंड कर दीजिए आप इसको, ये हो जाएगा डीएम, ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई, तो यहां से ये क्या आ रहा है, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं प्लस डीएम इंटू ए स्क्वायर प्लस डीएम इंटू वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस डीएम इंटू टू ए एक्स, एक ही साथ माइनस डीएम इंटू टू बी वाई, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए,
डन। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये आपका एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका डिस्टेंस हो जाएगा क्या इस एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से होगा क्या, नोट कर लो पहले, पहले नोट कर लो यार। डन देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, यहां से i की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बार हो जाएगा dm इंटू एक्स माइनस 2b इंटू dm इंटू वाई। ये बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये है एक्स ये है वाई ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस डीएम का इससे डिस्टेंस होगा क्या, इस डीएम का आईसीएम से डिस्टेंस होगा ना, तो बेसिकली ये वाला जो टर्म है आपको, ये वाला टर्म आपको क्या देगा आईसीएम, बात आई समझ में, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वो एल स्क्वायर मान लीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल स्क्वायर मान लीजिए, तो इसके बोर्ड क्या आ जाएगा डीएम इंटू एल स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया था टोटल आईसीएम, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ये वाला तो हो गया आईसीएम और ये हो जाएगा डीएम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा देखो ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर होगी। अच्छा ये वाला टर्म क्या होगा डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई, ये वाला टर्म बताइए आप क्या होगा डीएम इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स का क्या मतलब होता है, डीएम इंटू एक्स की मीनिंग क्या है, मास मोमेंट याद है आर एम एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री, ये सब क्या होता था मास मोमेंट एम इंटू आर बताया था क्या होता है मास मोमेंट। अच्छा ये मास मोमेंट किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, ये मास मोमेंट किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं ये बताओ, ये एक्स और वाई डिस्टेंस किसके अबाउट है, अरे एक्स किससे डिस्टेंस है वाई किससे डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से एक्स है और ओरिजिन से वाई है, ओरिजिन किस पे माना है अपन ने, ओरिजिन पे क्या माना है अपन ने सेंटर ऑफ मास, तो बेसिकली ये एक्स और वाई जो है वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, तो आपको कभी बताया था कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ मास अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो, वुड बी जीरो, बताया है ये कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास वुड बी जीरो, या मास मोमेंट क्या हो जाएगा, मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम वुड बी जीरो, ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया, तो ये जीरो है ये जीरो है, तो यहां से अभी क्या आ रहा है आपको, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया आईसीएम, अब देखो डी तो कांस्टेंट है डी को बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टोटल मास आ जाएगा है ना, तो डी स्क्वायर इंटू ये इंटीग्रेशन एम हो जाएगा, तो बेसिकली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, क्या होना चाहिए दो एक्सेस होना चाहिए दोनों पैरेलल होना चाहिए और उसमें से वन एक्सेस मस्ट है ना, वन एक्सेस मस्ट बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, वन एक्सेस मस्ट बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास,
है। डन। थर्ड लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। दो पार्टिकल सिस्टम है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये एम वन है और ये एम टू है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहां पे होगा, तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर वन और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर टू। तो आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताया है m1 वन बाय एम वन प्लस एम टू इंटू आर वन, और r2 की इंटू आर, आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m2 टू बाय एम वन बाय एम वन प्लस एम टू इंटू आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM सेंटर ऑफ मास, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m1 नॉर्मल सा, अब इसके अबाउट फाइंड करना है, तो ये पॉइंट मास, तो इसका डिस्टेंस r1 मास m1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 मास m2, तो क्या लिखोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका m1 r1 की वैल्यू क्या है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये m2 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा m2 इनटू, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। म्यू आर स्क्वायर, हाँ कुछ म्यू आएगा है ना, म्यू आर स्क्वायर आएगा। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वन एम टू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू द होल स्क्वायर।
यहाँ से आ रहा था एम टू एम वन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन ले लीजिए, एम वन एम टू आर स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू द होल स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से एक एम टू आएगा और यहाँ पे एक एम वन आएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इन टू आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, म्यू आर स्क्वायर, रिड्यूस्ड मास है ना, वेयर म्यू इज एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, द सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे भी, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, नोट कर लो। अब क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करते हैं। फिर पहले डिस्क्रीट का एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस बताऊंगा कैसा होगा नहीं होगा। मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट मास रख दिया है, ये रॉड नहीं है, थोड़ा फास्ट देख लीजिए कहां पे क्या नोट नहीं किया है। डन, इसको नोट कर लो पहले यार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको भी नोट कर लो याद। डन, अब ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि ये रॉड नहीं है, ये स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मास रखा हुआ, पॉइंट मास और कुछ नहीं है यहाँ पे। एम 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 ये सब पॉइंट मास है, स्क्वायर शेप का ऐसा कुछ बना है, ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, सबको एक लाइन से ज्वाइन कर दो तो स्क्वायर बन रहा है। यहां से यहां तक का सेपरेशन जो है वो 2a है, और ये भी कितना है, 2a है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, पूरे का। तो इस एक्सिस के अबाउट बताना है एक्सिस वन, इसके अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक्सिस टू, और ये जो जेड है, जेड एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर है जेड, उसके अबाउट बताना है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। इसको थ्री मान लो, Z को मैं मान रहा हूँ 3, ये 4, इसके अबाउट बताना है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1, 2, 3, ब्रैकेट में Z लिख देता हूं, एंड 4। Z एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर है, डॉट यहाँ पे डॉट बना दिया, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, मतलब एक्सिस इससे पास हो रहा है, जहां पे डॉट दिख जाए मतलब एक्सिस जो है या तो आउटवर्ड से, मतलब इससे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये समझ में आ जाना चाहिए। जहां पे मैं ऐसा सर्कल करके डॉट कर दूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है।
इसके वोट क्या आएगा? I1। इसका डिस्टेंस कितना है? ए इसका भी डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, 4ma² हो जाएगा। I2 इसके वोट इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है, यही एक्सेस है ना इसके वोट, तो इसका भी वही आएगा एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4ma². अब I3 क्या है? अब देखो I3 इज परपेंडिकुलर टू 1 और 2 और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो I3 को क्या लिखोगे? I1 प्लस I2, या इससे ज्यादा बेटर है ऐसा लिख दो, अभी रिलेट कर लेना था। IZ ऐसा है I3, इससे ये वाला डिस्टेंस कितना, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी तो नहीं है ना, ये वो नहीं लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेनर 2D बॉडी नहीं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, ये ए है, ये भी ए है, √2a, अरे ये ए है ना, ये ए है, ये √2a, इसका भी √2a, इसका भी √2a, इसका भी √2a, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 4 × m इंटू √2a का स्क्वायर, हाँ साइड 2a, तो कितना जाएगा 8ma². अब देखो प्लानर बॉडी मतलब 2D में नहीं है, तो प्लानर बॉडी नहीं है इसीलिए नहीं लगा सकते, बट अगर सपोज प्लेन भी होता, अगर मान लिया जाए ये प्लेन होता थोड़ी देर के लिए, प्लानर बॉडी है नहीं, बट अगर ये प्लेन होता, इस प्लेन का इसके अबाउट होता 4ma², इस प्लेन का इसके अबाउट होता 4ma², क्या बोल रहे हो, तो इस प्लेन का तो इस अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं इस प्लेन का, ये एक प्लेन है, इस प्लेन का इसके सबका लैग कर रहा है क्या, इस प्लेन का इसके अबाउट होता ma² 4ma², इस प्लेन का इस एक्सिस के अबाउट होता, नहीं होना चाहिए यार, अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, देख लो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि अगर सपोज ये प्लेन है नहीं, अभी पता है अपने को पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेन तो है नहीं, अगर प्लेन होता, ये प्लेन होता, तो इस प्लेन का इसके अबाउट कितना है 4ma² होता, और इसके अबाउट भी 4ma² होता, तो आप डायरेक्टली I3 को IZ को डायरेक्टली एड कर देते I1 प्लस I2, क्या लिख देते I1 प्लस I2, तो कितना आ जाता 8ma² हो जाता, 8ma² आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, फिर इस 4 के अबाउट फाइंड कीजिए, इसके अबाउट कितना आ रहा है ये बताओ यार, इसके बोर्ड आ रहा है 8ma², हाँ तो m into 2a² 4, हाँ करेक्ट सही है, नोट कर लीजिए इसको, तो I4 इसके बोर्ड फाइंड करेंगे टोटल मास, m जो होता है वो टोटल मास होता है,
एम टोटल मास होगी। तो इसके अबाउट फाइंड करेंगे, इसके अबाउट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसके अबाउट फाइंड करेंगे तो इसका जीरो, इसका जीरो, क्योंकि ये एक्सेस इसी से पास हो रहा है, ये एक्सेस किससे पास हो रहा है, इसी से पास हो रहा है, इसका जीरो, इसका जीरो, किसका आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा, यस। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई फोर एस दो का तो जीरो हो जाएगा, तो एम इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एम इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एम इंटू टू ए स्क्वायर प्लस एम इंटू टू ए स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, एट एम ए स्क्वायर। आंसर आई फोर का आ जाएगा एट एम ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर पे मास रख दिया एम 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 एम, मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये P, इसको क्यू और इसको आर मान, ठीक है, पी क्यू आर किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, मोमेंट ऑफ, ये डिस्टेंस ए, ये ए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system about the line perpendicular to PQ and passes theta नहीं है, Q है, ये point P, ये point Q, ये point R, थीटा नहीं है। द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पासेस थ्रू पी पी इन द प्लेन ऑफ पी क्यू आर, इन द प्लेन ऑफ पी क्यू आर। सेकेंड क्वेश्चन अबाउट वन ऑफ द साइड्स of triangle PQR. Third, about the line perpendicular to PQ and passes through P out of the plane मतलब perpendicular to the plane, outwards inwards मतलब ये plane है तो इसके perpendicular है ऐसा, out of the plane, plane of PQR. Fourth, about an axis passing through the centroid and perpendicular to the plane of triangle PQR. नोट कर लीजिए इसको, ट्राई कीजिए कितना आ रहा है।
कैलकुलेट है वो यार, कैलकुलेट। फाइव एम ए स्क्वायर बाय फोर, करेक्ट। ऐसा है, और ये एक्सेस किससे पास हो रहा है, पी से पास हो रहा है, और इसी प्लेन में, इसी प्लेन में मतलब ऐसा हो, तो पहले ये वाला डिस्टेंस देखो, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका ये वाला डिस्टेंस ए है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए बाई टू होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, a बाई टू, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक का तो जीरो है, इसका कितना है m a स्क्वायर, इसका कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इस एक्सिस से, a बाई टू ही होगा ना, हाफ होगा, m इंटू a बाई टू का स्क्वायर, तो यहां से m a स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर बाई फोर, तो आंसर हो जाएगा फाइव बाई फोर m a स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर फाइव बाई फोर m a स्क्वायर, नोट कर लीजिए, one of the sides of PQR। PQ के पोपेंड, ये PQ ना क्वेश्चन बोला, PQ ना, PQ इसको मान लो ना, फिर इसको PQ इसको मान लो, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो PQ इसको मान लो, रुको ये ऐसा है, ऐसा बना दो, फिर PQ जिसको लिखा है उसी को लिख दीजिए आप, ये ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा एक्सेस है ना, अभी परपेंडिकुलर है ना, थोड़ा सही से ड्रॉ करो फिर आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका, ये वाला, ये ऐसे जब फाइंड करेंगे तो ये यहां से ये a बाई टू हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस a रहेगा, तो इसका आंसर वही आएगा, थ्री बाई फोर होगा, थ्री बाई फोर एम ए स्क्वायर, करेक्ट, थ्री बाई फोर एम ए स्क्वायर। पी क्यू, क्यू इसको नहीं लेना था, क्यू इसे ही लेना था मुझे, तो ये वाला डिस्टेंस ए होगा और ये वाला डिस्टेंस ए बाई टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा था ना वैसे ही आएगा, ठीक है। तुम लोग अगर किसी ने ये ड्रॉ कर लिया तो इसको 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 क्यू मान लेना, पी क्यू ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं हो। सेकेंड क्वेश्चन, किसी भी एक साइड के बोर्ड, तो इसी के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, इसी साइड के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, मास m, ये m, ये m, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रूट थ्री बाई टू ए, यही होता है ना यार, ये वाला डिस्टेंस a बाई टू, ये वाला डिस्टेंस a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो इसके अबाउट कितना आएगा i, तो इसका और इसका जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका आएगा, तो जीरो प्लस एम इंटू रूट थ्री ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री एम ए स्क्वायर बाय फोर, थ्री एम ए स्क्वायर बाय फोर। थर्ड, इसके अबाउट, थर्ड क्या था, इसके अबाउट फाइंड करना है,
पर्पेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो इस पर्पेंडिकुलर के अबाउट क्या है, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका आएगा, ये पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अबाउट, इसके अबाउट आई कितना जाएगा, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, खुद का तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर टू एम ए स्क्वायर, आंसर टू एम ए स्क्वायर। फोर्थ, सेंट्रॉइड के अबाउट फाइंड करना है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। हाँ नोट, फाइंड करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सेंट्रॉइड यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस आर होगा, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, तो ये ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसा, तो इसका ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इससे ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तीनों का डिस्टेंस आर होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तीनों को इक्वेट कर दीजिए, नाइन आ रहा है क्या, नाइन नहीं आएगा, देखो यहाँ से ये ऐसा है, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है इसमें, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए बाई टू, तो कॉस 30 लगा दो, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई टू अपॉन आर, ये कितना जाएगा, रूट 3/2 इक्वल्स टू ए बाई टू आर, टू से टू जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई रूट थ्री, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई रूट थ्री, तो इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तीनों का तो सेम होगा, तो 3 × m × r² हो जाएगा, 3 ma² / 3, 3 से 3 जाएगा, आंसर हो जाएगा एम ए स्क्वायर, आंसर हो जाएगा एम ए स्क्वायर, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ए ए ए गिवन है ना, क्वेश्चन में देखो साइड गिवन है, ए ए ए ए ए ए, मतलब ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, नोट कर लीजिए इसको, कर सकते फाइंड तो कर सकते, बट ये है कि अभी ये जो बॉडी है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मोस्टली वो प्लेन के लिए यूज कर सकते, बट आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो डिस्क मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल का कैसे फाइंड करना है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये रॉड है, थिन है, थिन का मतलब क्या है कि इसका जो थिकनेस होगा या विड्थ होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू लेंथ, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, इसके अबाउट, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, इसके अबाउट भी फाइंड करना है, ये एंड के अबाउट है, ये सेंटर ऑफ मास ICM हो जाएगा, एंड के अबाउट को आई एंड बोल दो, एक एंड के अबाउट, इसका मास एम है और लेंथ एल गिवन, मास क्या है एम, लेंथ एल,
देखो यहाँ पे जो ये सिस्टम है वो कैसा है, तो इस पे जो ये जो रॉड है इसका मास, यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसा सिस्टम हो गया, तो कंटीन्यूअस सिस्टम हो गया, है ना। तो ये कंटीन्यूअस सिस्टम है, तो कंटीन्यूअस सिस्टम है तो इसमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो किसी एक एक्सिस के अबाउट पहले फाइंड कर लेता हूं, तो इसी के अबाउट पहले फाइंड कर लेता हूं, इसी के अबाउट फाइंड कर लेता हूं, आई आई एंड है ना, इस एंड के अबाउट है इसलिए। तो यहां पे क्या करेंगे, ये रॉड किससे बना होगा, तो जैसे आपको पता है कि अपन ने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तो उसमें बेसिक एलिमेंट पता है कि रॉड में बेसिक एलिमेंट क्या लेना है, तो ये रॉड में बेसिक एलिमेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। तो एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स डीएक्स एलिमेंट मिलके बना होगा ये रॉड, क्या लेना है, डीएक्स वाला एलिमेंट लेना है। तो अब ये पॉइंट मास हो जाएगा, और इसके मास को लिखोगे तो डीएम हो जाएगा, और डीएम की वैल्यू क्या हो जाती है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लामडा डीएक्स, और लामडा की वैल्यू यहां से क्या लिखोगे आप, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, याद है कुछ। अब देखो ये पॉइंट मास हो गया, तो इस पॉइंट मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट एओआर, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो डीआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डीएम पॉइंट मास का क्या होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, तो डीआई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो लामडा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो डीआई की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, तो लामडा है एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल एम आई, तो आई की वैल्यू यही आई एंड है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आई हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एम बाई एल तो कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये कितना हो जाएगा एम बाई एल, और ये एक्स कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो ये जो एलिमेंट है आप एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक वैरी करेगी, तो 0 टू l, x स्क्वायर का क्या आएगा, x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और ये 0 टू l, तो यहां से क्या आ रहा है आपका m बाई 3 l इंटू l क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 3 हो गया। इसको लर्न कर लेना है, इस रिजल्ट को अभी जो भी आएगा रिजल्ट उसको लर्न करते जाना, आई एंड एम एल स्क्वायर बाई 3, आई एंड एम एल स्क्वायर बाई 3, मतलब एक रॉड है तो उसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। कैसे फाइंड करना है, तो वही जैसे बेसिक फॉर्मूला डीएम इंटू आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करेंगे, इसको नोट करने के बाद खुद से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक बार फाइंड करो, तो क्योंकि दोनों एक्सिस कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, और उसमें से एक एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दोनों एक्सिस कैसा दिख रहा है, पैरेलल है ना, और एक एक्सिस जो है वो किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड,
यस वेरी गुड. क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12. डन. उसको भी इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, बट अपने को इसलिए पहले ही पढ़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ये सेंटर ऑफ मास है, इससे पास हो रहा है आईसीएम, इसका मास यहाँ पे एम होगा, और इस एंड के अबाउट अभी पता है अपने को ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डी एल बाई टू. तो दोनों पैरेलल है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आई, ये होता था आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. आई की वैल्यू कितनी आई, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आई सी एम. एम डी की वैल्यू कितनी है, एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां से कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री माइनस एम एल स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू आई सी एम. एलसीएम ले लीजिए 12 आ जाएगा, ये जाएगा 4 एम एल स्क्वायर माइनस 3 एम एल स्क्वायर इक्वल्स टू आई सी एम. तो यहां से आई सी एम की वैल्यू कितनी हो गई, तो एम एल स्क्वायर बाय 12. तो रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है. इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे. ये बताओ, ऐसे बस एक एग्जांपल ले लेता हूं. ये रॉड है, इसके व्हाट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास एम लेंथ है, बाय बाय. इसके व्हाट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो. क्या होगा, जीरो होगा, है ना. चलो नेक्स्ट लेक्चर में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे. आप नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया है. डिस्टेंस ही नहीं आएगा ना यार, डिस्टेंस आएगा कुछ, पॉइंट मास लोगे. ये ऐसा हो गया ना, ये तो ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया ना, ये जो भी पॉइंट मास लोगे तो वो उसी से पास हो रहा है ना. आईसीएम क्यों फाइंड करना है यार इसमें, आईसीएम थोड़ी सी, आईसीएम यहाँ पे किसके वोट है देख लो, यहां से पोपेंडिक्यूलर है. एक्सिस कैसा है, पोपेंडिक्यूलर. ये एक्सिस पोपेंडिक्यूलर है क्या, आईसीएम का मतलब ये नहीं. आईसीएम का मतलब क्या है, ये एक्सिस जो है इसके पोपेंडिक्यूलर है. ओ आईसीएम को इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये बोल रहे. देखो यहां से लीव कर सकते हो, जिसको लीव करना है लीव कर सकते हो, गया लेक्चर. आईसीएम के वर्ड बोल रहे हो, तो यहां से सेंटर ऑफ मास है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे के एलिमेंट ले लिया तो डीएम हो जाएगा. तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, डी आई कितना हो जाएगा, तो लैम्डा डी एक्स, ये डीएम है और ये वाला डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, तो एम बाई एल हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, ये वाला एलिमेंट इस साइड भी ले सकते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक एलिमेंट ले सकते हैं. एक्स यहां से मेजर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आएंगे.